नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट कार इंडिया चैनल, जहां हम लेके आते हैं वॉक अराउंड्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस, माइलेज टेस्ट और क्विक न्यूज। इस हफ्ते बात करते हैं और भी नए इंटरेस्टिंग लॉन्चेस एंड ऑफर्स के बारे में। नेक्स्ट जेन होंडा अमेज का प्रोडक्शन स्पेक रेडी है और उसके लीक्ड इमेजेस हमारे हाथ लगे हैं, जो कि हमें फेयर आइडिया देते हैं इस कॉम्पैक्ट सेडान के बारे में। पहली बार इसे देखने पर आपको होंडा एलिवेट और सिटी से इंस्पिरेशन दिखाई देगी। वहीं इंटीरियर पर ध्यान दे तो अमेज को सिमिलर डैशबोर्ड लेआउट मिलता है एस दी एलिवेट विद फ्लोटिंग टच स्क्रीन, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्टेयरिंग व्हील। इन इमेजेस को देख के हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सीट आर्मरेस्ट और कैमरा बेस्ड एडेस जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। अमेज सेम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ कंटिन्यू होगी 5 स्पीड मैनुअल या सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ। महिंद्रा ने अपनी मच एंटिसिपेटेड ईवीज BE6e और XEV9e को लॉन्च कर दिया है 18.9 लाख रुपीस और 21.9 लाख रुपीस के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर रिस्पेक्टिवली। दोनों ही कार्स इंग्लो आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आते हैं, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर, जो अप टू 682 किलोमीटर की ARAI रेंज ऑफर करते हैं। साथ ही दोनों को 19 इंच रिम्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। मजे की बात यह है कि ये 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जो 20-80% चार्ज केवल 20 मिनट में हो सकती है। BE6e की बात करें तो यहाँ आपको एक फाइटर जेट जैसा कॉकपिट मिलेगा विद कूल फीचर्स जैसे कि ड्यूअल 12.3 इंच स्क्रीन्स, एयर बेस्ड हेडअप डिस्प्ले, 16 स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, ऑटो पार्क असिस्ट, 7 एयरबैग्स एंड मोर, जो कि XEV9e के साथ भी शेयर होता है। लेकिन 9e को 3 स्क्रीन सेटअप मिलता है और इंटीरियर में आपको XEV700 की हल्की झलक मिलेगी। दोनों SUV कूपेस की डिलीवरीज लेट फरवरी या अर्ली मार्च 2025 तक शुरू हो जाएंगे। टाटा मोटर्स, सिट्रॉन और महिंद्रा के बाद ह्यूंडई अब फोर्थ ब्रांड बन चुकी है जिन्होंने भारत एनकैप टेस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है। ट्यूसो ह्यूंडई की पहली मॉडल है टू बी टेस्टेड अंडर BNCAP और इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले हैं, दोनों ही अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स जैसे कि 6 एयरबैग्स, 3 सीट बेल्ट्स विद रिमाइंडर्स फॉर ऑल पैसेंजर्स, ESC और आइसोफिक्स एंकर्स मिलते हैं एज स्टैंडर्ड। ऑडी इंडिया ने Q7 का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसके इंट्रोडक्टरी प्राइस 88.66 लाख रुपीस से शुरू होते हैं और 97.81 लाख रुपीस तक जाते हैं। इस अपडेट के साथ Q7 को नए कस्टमाइजेबल OLED हेडलैम्प्स, नई ग्रिल और रीडिजाइन बम्पर्स मिलते हैं। ऑन दी इनसाइड डैशबोर्ड लेआउट सेम है एज दी आउटगोइंग मॉडल, लेकिन इसे अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड वर्चुअल कॉकपिट विद लेन चेंज वार्निंग सिस्टम मिलता है। ये सोल 3 लीटर ट्विन टर्बो V6 पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो कि 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड है। BMW ने अपडेटेड M2 कूपे को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 1.3 करोड़ रुपीस के प्राइस पॉइंट पर। इस कूपे को 3 लीटर स्ट्रेट 6 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड है, लेकिन आप ऑप्शनल 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी ऑप्ट कर सकते हो। डिजाइन लार्जली अनचेंज्ड है, लेकिन यहाँ आपको एक्सटेंडेड रेंज ऑफ कलर्स, एक नया फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील और एक नया डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम विद लेटेस्ट जनरेशन iDrive सिस्टम मिलते हैं। आगे बात करते हैं टू व्हीलर सेक्शन के बारे में। ओला ने अपना पहला B2B स्कूटर गिग को लॉन्च कर दिया है, जो दो वेरिएंट गिग और गिग प्लस में अवेलेबल है और प्राइस्ड है 39,999 रुपीस और 49,999 रुपीस पर रिस्पेक्टिवली। ये सिंगल सीट और एक बड़े कैरियर के साथ इक्विप्ड है। साथ ही गिग की टॉप स्पीड 25 kph है, दैट मींस इसे आपको रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गिग प्लस की टॉप स्पीड 45 kph है, सो अगर आप ये लेते हैं तो आपको इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। गिग एक रिमूवेबल 1.5 किलोवाट आर के बैटरी पैक के साथ आती है, जो कि 112 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं गिग प्लस आप एक या दो 1.5 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ ऑप्ट कर सकते हो, जो कि 81 किलोमीटर या 157 किलोमीटर की रेंज देगी, डिपेंडिंग ऑन द बैटरी पैक। इन स्कूटर्स की डिलीवरीज अप्रैल 2025 तक शुरू हो जाएंगी। ओला स्टेबल से एक और नया स्कूटर S1Z लॉन्च हो गया है, जो कि S1 रेंज को और एक्सपैंड करता है। ये स्कूटर दो वेरिएंट्स S1Z और S1Z प्लस में अवेलेबल है, जो कि 59,999 रुपीस और 64,999 रुपीस पर प्राइस किए गए हैं रिस्पेक्टिवली। जस्ट लाइक गिग, S1Z को भी 1.5 किलोवाट आर की बैटरी मिलती है विद एन ऑप्शन ऑफ टू बैटरी पैक्स, जिसे आपको 75 किलोमीटर से 146 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसी के साथ इसे एक LCD डिस्प्ले मिलता है विद ब्लूटूथ सपोर्ट। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब तक का सबसे अफोर्डेबल स्कूटर है और इनकी डिलीवरीज मई 2025 तक शुरू हो जाएंगी।
होंडा टू व्हीलर्स फाइनली अपने पॉपुलर मॉडल एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन एक्टिवा ई और एक मॉडल QC1 लेकर आ गया है भारत में। एक्टिवा ई को एक 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है जो कि आप स्वॉप कर सकते हो होंडा के पावर पैक एक्सचेंजर ई बैटरी स्वॉपिंग स्टेशंस पर। वहीं QC1 को भी एक 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है लेकिन वो रिमूवेबल नहीं है। एक्टिवा ई को 102 किलोमीटर की रेंज और QC1 को 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है। एक्टिवा ई को USB चार्जर, 3 राइडिंग मोड्स, 7-inch डिस्प्ले विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड नोटिफिकेशन अलर्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं QC1 को 5-inch नेगेटिव LCD डिस्प्ले, 2 राइड मोड्स, USB चार्जर और 26 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों ही स्कूटर्स रेड विंग डीलर्स थ्रू बेचे जाएंगे और बुकिंग्स 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगे, फॉलोड बाय डिलीवरी स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2025। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप रिवर ने अपने मेडन प्रोडक्ट इंडी को अपडेट कर दिया है 2025 के लिए और ये 1.43 लाख रुपीज पर प्राइस की गई है। जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है चेन फाइनल ड्राइव, जिसके जरिए मोटर रियर व्हील को चेन द्वारा पावर करेगी। दूसरे चेंजेस में इंक्लूडेड है एक डेडिकेटेड रिवर्स बटन और 2 नए कलर्स। रॉयल एनफील्ड ने 350cc कैटेगरी में एक और नया प्रोडक्ट गोवन क्लासिक 350 को लॉन्च किया है, जिसके प्राइजेस 2.35 लाख रुपीज से लेकर 2.38 लाख रुपीज तक जाते हैं। ये एक बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है जिसमें आपको मिनी एप, हैंगर हैंडल बार्स, सिंगल सीट विद ऑप्शन पिलियन सीट और व्हाइट वॉल टायर्स जैसे एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे। इस बाइक को सेम 349cc का इंजन पावर करता है एज द क्लासिक 350 और इसे 750mm की सीट हाइट मिलती है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।